कोटा में फॉर्चुनेटली इतना जो विकास कार्य हो रहा है, विशेषकर यूआईटी और स्मार्ट सिटी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सारे सर्कल्स को अच्छा सौंदर्यकरण किया जा रहा है। रिवर फ्रंट एक ऐतिहासिक धरोहर कोटाइले बनने जा रही है। तो सारे डिपार्टमेंट्स जो अलग अलग कार्य कर रहे हैं, हमारा मकसद है कि इसको और आगे ऊंचाई तक ले जाएं। सारे डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करके जो आपसी समस्याएं हैं उनको दूर करके पब्लिक को असुविधा कम से कम समय में हो और उसका लाभ जल्दी जल्दी मिले, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि एक न्यास के ऊपर एक बड़ा सारा दबाव है सर, बतौर आप अध्यक्ष होने के नाते किस प्रकार की डेवलपमेंट को सरल और आसान रूप से जल्दी तैयार करवाने? बिल्कुल, ये सारा कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड करता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग कार्य करते हैं, और कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं करते हैं तो उस पर काम भी कॉस्ट बढ़ती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। पब्लिक को असुविधा ज़्यादा टाइम तक होती है। विकास कार्य कोई भी अगर होता है तो पब्लिक को असुविधा तो स्वाभाविक है, लेकिन वो असुविधा कम से कम समय पे हो, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगले 6 माह बाद कोटा शहर का स्वरूप आपको ऐसा मिलेगा कि जयपुर के बाद लोग यहीं देखने आएंगे कि इतना बड़े बड़े कार्य हुए हैं और इतने वंडरफुल कार्य जो हुए। बिल्कुल, जैसे कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में आप स्वरूप से निदेशक थे, तो जैसे आप देख सकते हैं आईएएस पद ग्रहण आपने किया है कोटा जिले का, अब आप एक मुख्य के रूप में हैं, तो कितना चैलेंजिंग भरा देख रहे हैं? देखो, सामाजिक न्याय विभाग में एक अलग टाइप का कार्य है, विशेषकर वंचित तो गरीब तबके के कार्य कुछ ज़्यादा होते हैं। तो हमने कोशिश की वहाँ पे सरकार की जो भी योजना है वो धरातल तक सारी लास्ट व्यक्ति तक पहुँचे, जो भी व्यक्ति पात्र है उसको उसका पूरा लाभ मिले। और उसके में कोटा ने भी अच्छा कार्य किया, कोटा जिला भी हमारी जो स्टेट वाइज रैंकिंग होती है उसमें हमेशा टॉप पे रहता है। हम कोशिश करेंगे अगर कोई नई स्कीम आती है या पुरानी स्कीम जो है उसमें कोई अगर लैप्स कहीं है, कहीं कमी है, उसको हम दूर करें और जो भी योजना है उसका लाभ प्रत्येक लाभार्थी को मिले। सर, कोटा शहर में अवैध खनन बूम आ गया, कोई अंकुश लगेगा उनके बंद होने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल लगेगा। अभी आज मैंने सुबह ही एमई साहब को बुला के मीटिंग ली है और एक दो दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल सर, आगामी कच्ची बस्तियों हैं जिसे उनके विकास नहीं हो पा रहे हैं, उनके विकास के लिए किस प्रकार के आप? अब इसमें 15 जुलाई से वापस सरकार ने प्रशासन शहरों संघ अभियान चालू किया है। कई बस्तियों में क्या है, महामारी फैलने का खतरा भी रहता है। बिल्कुल, वार्ड वाइज कैंप लगेंगे इस पे और कोशिश ये करें कि एक एक वार्ड का कैंप एक दिन लगे, सप्ताह में दो ही कैंप रखे जाएंगे। तो उस वार्ड के अनुसार जो कच्ची बस्तियाँ हैं उनको प्रायोरिटी मिलेंगे, जिनके पट्टे नहीं हैं पट्टे दिलाएंगे, सड़क नहीं है सड़क नाली नहीं है। और जैसे आप अगर बारिश के टाइम में चूँकि मच्छरों की समस्या ज़्यादा आती है, मलेरिया केस ज़्यादा आता है, तो उसका भी एक कैंपेन टाइप जो 40 सालों से बची हुई है वन विभाग भूमि पे, बाकी विकास के कारण फॉरेस्ट का थोड़ा सा इश्यू रहता है कि जब तक हाईएस्ट लेवल से वो तय नहीं होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, तब तक डाइवर्जन का प्रस्ताव नहीं होता है, तब तक दिक्कत आती है। उसमें करेंगे किस कॉलोनी की क्या समस्या है और को किस लेवल पेंडिंग है उसको स्पीड अप कराएं। आमजन के लिए कैसे सरल बनेंगे सर? आमजन के लिए तो हम तो बिल्कुल सरल ही हैं, ऑफिस बैठे हैं, तब कोई भी आना चाहे, कभी आके मिले, अपनी समस्या बताए और कोशिश करते हैं कि उसका निराकरण साथ साथ हो जाए, ताकि यहाँ आना उसका सार्थक हो। ऐसा नहीं कि आके वो वेट करके चले, मालूम पड़े कि 2 घंटे बाद कोई घटना हो गई वो चले जाएँ। कोशिश ये करते हैं कि सहज सुलभ रहे और आम जन के लिए कोई भी अपनी समस्या निसंकोच कहने का मौका मिले। बिल्कुल, आप सभी लोग चूँकि यहाँ के निवासी हो, समस्या आपको पता है, समाधान भी आपको ही पता है, तो समस्या के साथ आप समाधान लेके आए ताकि उसका विचार करके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, आगामी 2 दिन बाद में आपका जन्मदिन है, तो क्या संकल्प लेने वाले हैं आप? नहीं, ऐसा तो कोई संकोच ऐसा कोई संकल्प नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि हमारी ड्यूटी को बखूबी निर्वहन करें और जितना टाइम भी रहें बिल्कुल पब्लिक की सेवा करें और एक ऐसी पहचान बनाएं पब्लिक में कि वो जाने के बाद लोग याद करें कि एक फलां टाइम आए थे। तो सेवा करना है मकसद है, जो काम चल रहे हैं उसमें जहां हमारा रोल आवश्यक है उस रोल को बखूबी निभाएं। लैंड ऑर्डर पर सर किस प्रकार से कनेक्टिविटी? लैंड ऑर्डर को वैसे अनावश्यक बदनाम कर रखा है कोटा को। कोटा में बहुत अच्छे लोग हैं और बिल्कुल गंगा जमुनी संस्कृति से रहते हैं। अभी ईदगाह में तो देखा 50,000 आदमी एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं और वहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है, कोई सेंसिटिव नाम की चीज़ नहीं मिलती है। तो मैं समझता हूँ सारे त्यौहार हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी धर्म के हों, सब अच्छे से बनेंगे, सब लोग सहयोग से होंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। थैंक यू। बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू।